अजनबी बिरयानी ना हैदराबादी बिरयानी। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी। तरीका भी वैसा ही होगा, जायका भी वैसा ही होगा और टेस्ट भी वैसा ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी। तो यहाँ पर हमने ले रखा है आधा किलो चिकन और चिकन को करेंगे मैरिनेट। डालेंगे 100 ग्राम दही, एक बड़ा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर का, आधा चम्मच हल्दी का, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर का, आधा चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधी कटोरी धनिया की। और यहाँ पर हम कोई नॉर्मल मिर्ची नहीं लेंगे, हम लेंगे कटी हुई अचारी मिर्ची। थोड़े से लेंगे पुदीना के पत्ते। और बिरयानी में से जब तक खुशबू नहीं आए मजा नहीं आता, तो यहाँ पर डालेंगे 1.5 चम्मच केवड़ा वाटर के। डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो जैसे कि हर रेसिपी में मैं बताता हूँ, मिक्स करना है और मैरिनेट करके रख देना है 2 से 3 घंटे, ताकि हमारा चिकन सॉफ्ट और टेंडर हो जाए और मैरिनेशन अंदर तक हो जाए। अब डालेंगे हांडी के अंदर तेल। भाई अगर बिरयानी में स्ट्रीट स्टाइल जायका लाना है तो तेल में कंजूसी नहीं करनी। डालेंगे खड़े मसाले, 2 तेज पत्ता, 3 मेस, 1 चक्री फूल, 1 दालचीनी, 5 से 6 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च और 1 कटावा प्याज। और प्याज को करना है अच्छे से गोल्डन ब्राउन। और प्याज के ब्राउन होने के बाद डालेंगे 1 कटावा टमाटर। अब काफी लोग मेरे से पूछेंगे कि शेफ बिरयानी में तो टमाटर जाता ही नहीं है, बट यकीन मानिए टमाटर डाल के देखिए बिरयानी का जायका और बढ़ जाएगा। 2 से 3 मिनट पकाएंगे टमाटर को प्याज के साथ और उसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। अब जब भी चिकन की भुनाई करें तेज आंच पे करें, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। एक बार भुनाई हो जाएगी तो उसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे चिकन को धीमी आंच पे। और ये जो मैरिनेशन बच गया था बॉल के अंदर, उसमें डाला है हमने थोड़ा सा पानी और वो भी मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। 1/2 स्पून के आसपास डालेंगे इलायची का पाउडर और ढक के पकाएंगे चिकन को 5 से 7 मिनट। और एक चीज का हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ पर चिकन को हमें शोरबे के अंदर पूरा नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम बिरयानी पे दम लगाएंगे तब भी हमारा चिकन कुक होगा। चावल को अलग से उबालेंगे तो इसलिए कर लेंगे पानी को बॉयल। तो यहाँ पर मैंने ले रखा है सेला राइस, जो कि है बासमती राइस। इस राइस की खास बात क्या है? इस राइस की खास बात ये है कि ये राइस टूटता नहीं है। जितना ज्यादा पकाओगे ये सिर्फ पानी पीता है और फूल जाता है। लेकिन इस राइस को भिगा के रखना कम से कम 1 से 1.5 घंटे तक। तो पानी हमारा बॉयल हो चुका है, नमक डालना है भरपूर। भरपूर का मतलब जब आप पानी को टेस्ट करें पानी नमकीन लगना चाहिए। थोड़े से डालेंगे पुदीना के पत्ते, डालेंगे 1 चम्मच गुलाब जल और थोड़ा सा डालेंगे तेल। और यहाँ पर चावलों को पूरा नहीं पकाना है, चावलों को पकाना है 70%। अब काफी लोग पूछते हैं शेफ हमें कैसे पता लगेगा कि 70% कितना होता है? टाइमर ऑन कर लीजिए, चावल डालने के बाद कम से कम 7 मिनट में आपका चावल रेडी हो जाएगा, बट गोल्डन सेला चावल। थोड़ा सा डालेंगे विनेगर, आप चाहें तो लेमन जूस भी डाल सकते हैं। विनेगर और लेमन जूस डालने से होता क्या है, तो चावल में वाइटनेस है वो और अच्छी आ जाती है। और ये जो आप यखनी पे तेल देख रहे हैं, यही तो आपकी बिरयानी को देगा मार्केट जैसी चिकनाहट। डालेंगे राइस, स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी बना रहा हूं इसलिए फूड ग्रेड कलर का यूज कर रहा हूं। आप लोग घर पे बनाए तो सैफरन का यूज करें। अब लगाएंगे बिरयानी पे दम। अब दम कितनी देर का होना चाहिए ये एक बड़ी समस्या है। तो 3 से 4 मिनट तक हाई प्रेशर पे देंगे बिरयानी को दम और उसके बाद लगा देंगे तवा
और 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पे देना है बिरयानी को दम। तो चेक कर लेते हैं बिरयानी। भाई मार्केट जैसा कलर तो हमने पा लिया है, कुछ ही इसी तरह की होती है मार्केट वाली बिरयानी। अब टेस्ट कैसा होता है बना के देखिए, रेसिपी फॉलो करके देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके घर पे कैसी बनी बिरयानी।